आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 और प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms बराबर आपको दे रखा है -1/2 दे रखा है वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। आपको दे रखा है a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7 दे रखा है, d बराबर 9 दे रखा है। तो यहां से आपके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या होगी, यहां आपका होता है 2 × मुख्य क्वांटम संख्या का स्क्वायर होता है। एन आपकी क्या है, यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है, क्या यहां से मुख्य क्वांटम संख्या है, बात समझ में आ रही। अब आपको यहां पर क्या रखना है, मान रखना है। ये आपका कितना आ जाएगा, यहां से रखो 3 रखोगे आप तो 3 का वर्ग आपका होता है 9, यानी आपके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 18 आएगी। यदि आपका n बराबर 3 है तो ये आपका 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है, ये हो सकता है यहां पर जो उपकोष होंगे। अब यहां से 18 इलेक्ट्रॉन तो आगे इसमें भर देते हैं हम, 3s, 3p और ये आपका 3d। इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक कक्षक में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर 5 है तो कितने आएंगे, 10 आ सकते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं और इसमें कितने आ सकते हैं आपके, 2 आ सकते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आपके, कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहां से इस तरह से भर सकते हो आप इन्हें, इस तरह से भर सकते हो, यानी ये जो चक्रण है ये वाला जिसकी दिशा ऊपर की ओर है, ये आपका क्या है, 1/2 है, प्लस 1/2 वाला है। क्या है, प्रचक्रण कौन सा है, ये प्लस 1/2 वाला है और ये वाला कौन सा है आपका, -1/2 वाला है। इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो आपके पास ये कितने हैं। तो यहां पर आपके पास प्रचक्रण क्वांटम संख्या कितनी आएगी आपकी, यहां से कितनी आएगी आपकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या, यहां से आपकी आएगी, एक एस में है, 3 आपके पी में है, 3 आपके यानी इसी तरह से आपके क्या है, 3 पी में है और 5 आपके डी में है। कुल मिलाकर आपकी कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है, यहाँ पर कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। कुल आपकी कितनी, 18 है और प्लस यानी यहाँ पर प्लस 1/2 तो आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 9 होगी और ये आपकी कौन सी वाली है, -1/2 वाली है, कौन सी है, -1/2 वाली है। तो ये आपकी संख्या कितनी आई, यहाँ से 9 आई है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऊपर जो ऑप्शन में दे रखा है ये आपका आंसर डी ऑप्शन आपका होगा, सही आंसर होगा कि यहाँ पर 9 आपकी यहाँ पर क्या होगी, प्रचक्रण क्वांटम संख्या होगी जिसका मान -1/2 है, ये आपका क्या है, सही आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।